इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसमें हबस का कीड़ा बुरी तरीके से भरा होता है और वो अपने खेत को जुतवाए बिना नहीं रह सकती थी। जैसे कोई नशेड़ी नशे के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही ये लड़की संभोग के बिना नहीं रह सकती थी। मूवी के स्टार्ट होते ही हम सैलिन नाम के आदमी को देखते हैं जिसे अपने घर के बाहर एक बेहोश लड़की पड़ी मिलती है। वो उसे अपने घर के अंदर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करता है। कुछ टाइम के बाद उस लड़की को होश आता है। सैलिन एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था। वो उस लड़की से पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की उसे अपना नाम जेनिफर बताती है। वो कहती है, मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मेरी संभोग करने की इच्छा खत्म नहीं होती। फिर सैलिन उसकी पूरी कहानी जानना चाहता था, इसलिए वो बैठकर उसे सुनने लगता है। उसके पूछने पर जेनिफर उसे अपनी कहानी बताने लगती है और फिर कहानी उसके बचपन से स्टार्ट होती है। वो 12 साल की थी तभी वो अपने फ्रेंड के साथ बाथरूम में फर्श पर पानी डालकर और अपनी चड्डी उतारकर अपने जिस्म को घसीट रही थी जिससे उसकी गुफा की गर्मी ठंडी हो सके। जेनिफर के पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था उनकी बेटी को बीमारी है। जेनिफर के डैड एक डॉक्टर थे। जेनिफर जब भी गंदी तस्वीरों को देखती थी वो अपने शरीर के अंगों को सहलाने लगती थी। जेनिफर अब बड़ी हो चुकी थी और पिछले एक साल से जिमी नाम के लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा था। अब वो अपनी सहेली के साथ नहीं खेलती थी। वो जिमी के पास आती और उसका हथियार अपनी गुफा में डालने के लिए कहती जिससे पहली बार उसका खाता खुल सके। जिमी उसकी बात मान जाता है और जमकर उसकी खुदाई करता है, लेकिन जेनिफर को फिर भी मजा नहीं आता क्योंकि वो अपनी गुफा में उसका बड़ा सा हथियार महसूस नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं जब वो ट्रेन में बैठकर अपने घर जा रही थी तभी अपने पास बैठे आदमी के साथ उसे जिस्मानी खेल खेलने की इच्छा होती है, जिसके बाद वो दोनों ट्रेन के बाथरूम में जाकर शुरू हो जाते हैं। लेकिन जेनिफर को जिमी के हथियार की तरह उस आदमी का हथियार भी महसूस नहीं होता, उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। कुछ सालों के बाद जेनिफर और भी ज्यादा जवान और सेक्सी हो जाती है। उसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी वो कहीं भी बैठकर अपना हाथ अपनी गुफा में डालकर सहलाने लगती थी। लड़कों को देखकर ही उसकी हवस बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। इसके बाद हम देखते हैं जेनिफर शादी कर लेती है और उसके पति का नाम जाफरान होता है। जाफरान से मिलकर उसने अपनी गर्मी पर बहुत ज्यादा काबू पा लिया था। दोनों अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे थे। इसके बाद जेनिफर एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वो मिशेल रखती है। बच्चा होने की वजह से और काम में बिजी रहने की वजह से जाफरान पहले की तरह जेनिफर के साथ जिस्मानी खेल नहीं खेल पाता था। एक्चुअल में वो उसे खुश नहीं रख पा रहा था, इसलिए जाफरान उसे किसी और से संबंध बनाने के लिए कहता है। जेनिफर पहले तो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। इसके बाद वो डेली अपनी हवस मिटाने के लिए बाहर जाती और काफी रात होने के बाद वापस आती। ऐसे ही करते हुए जेनिफर को 3 साल बीत चुके थे। एक दिन जेनिफर को अपने ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ एक आदमी दिखाई देता है, जिसके बाद वो एक आदमी के जरिए उस आदमी के साथ सोने का प्रपोजल भेजती है जिससे वो आदमी जल्दी से मान जाता है। कुछ टाइम के बाद जेनिफर एक होटल में बैठकर उस आदमी का वेट कर रही थी जहां पर वो आदमी अपने दोस्त को साथ लेकर आता है। जेनिफर उससे कहती है, तुम कुछ भी करो कैसे भी करो, मुझे बस मजा आना चाहिए। उसकी बात सुनकर पहले वो दोनों उसके कपड़े उतारते हैं, फिर दोनों फैसला करते हैं कौन आगे और कौन पीछे करेगा। इसके बाद एक आदमी अपना हथियार जेनिफर के आगे और दूसरा आदमी उसके पीछे डाल देता है, लेकिन जेनिफर की प्यास उन दोनों के मोटे हथियार से भी नहीं बुझ रही थी। इसके बाद वो नाराज होकर अपने कपड़े उठाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जेनिफर केन नाम के बंदे के पास आती है जो पैसे लेकर औरतों की प्यास बुझाता था। वो उनके तबले पर मार मारकर उन्हें मजा देता था। जेनिफर रोज उसके पास आने लगी थी। केन उसे सोफे से बांधकर उसकी गुफा में उंगलियां डालकर चेक करता था आज उसे जेनिफर के साथ किस टाइप का करना है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता तब जेनिफर का बेटा मिशेल बेड से उठकर बालकनी में चला जाता है। एन मौके पर जाफरान वहां आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं क्रिसमस के मौके पर जाफरान जेनिफर से साफ साफ कह देता है, तुम्हें अपनी हवस और फैमिली दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। जेनिफर बिना कुछ सोचे समझे दोनों में से अपने मजे को चुनती है। जाफरान जेनिफर का फैसला सुनकर उसे अपने घर से भगा देता है। परेशान होकर जेनिफर केन के पास आ जाती है और वो उसे अपने साथ संभोग करने के लिए कहती है। आज केन किसी और की बजाने वाला था और आज जेनिफर का नंबर नहीं था, इसलिए गुस्से में आकर केन जेनिफर के साथ और टॉर्चर करके संभोग करता है। इसके बाद शैलेन जेनिफर से पूछता है, तुम्हारा बेटा मिशेल कैसा है? ये सुनकर जेनिफर चाय का कप फेंक देती है और गुस्से में कहती है, जाफरान ने उसे हॉस्टल भेज दिया है। जेनिफर को देखकर साफ पता चल रहा था वो अपनी इस बीमारी से बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि इसकी वजह से उसे अपने परिवार को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वो कहानी में आगे बताती है, कुछ सालों के बाद उसे जिस्मानी खेल खेलने में बहुत मजा आने लगा था, लेकिन मजे की वजह से उसने अपने आगे की गुफा और पीछे के छेद को बहुत ज्यादा जख्मी कर लिया था। अपना इलाज करवाने के लिए वो अपने बॉस की मदद मांगती है। उसकी बॉस उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जेनिफर से कहती है, ऑफिस में सभी को पता है तुम रोज रात को किसी नए आदमी के साथ होती हो, तुम्हें अपनी ये आदतें बदलनी होंगी, तुम्हें नौकरी या आदमी किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद जेनिफर फिर से आदमी को ही
चुनती है। अब वो काफ़ी परेशान रहने लगी थी, उसे लगने लगा था वो समाज के लिए नहीं बनी है, और इसी सोच के साथ वो गलत आदमियों के साथ मिल जाती है। एक दिन उसकी मुलाकात जी नाम के बंदे से होती है जो उसे पहले से जानता था। जेनिफर के कहने पर वो उसे वसूली का काम देता है। इस काम के लिए जी उसे दो बॉडीगार्ड भी देता है। देखते ही देखते जेनिफर इस काम को बहुत अच्छे से करने लगी थी क्योंकि उसे इस काम में मज़ा आ रहा था। एक दिन जी उसे अपने पास बुलाकर कहता है, तुम काफ़ी अच्छा कर रही हो, अब समय आ गया है तुम भी अपने लिए एक असिस्टेंट चुनो और उसे अपना जैसा बनाओ। जी जेनिफर को एक 15 साल की लड़की जिसका नाम ओ था वो उसे पालने के लिए कहता है। वो क्रिमिनल फैमिली से थी और उसके फादर जेल में थे और उसकी मॉम ड्रग्स का काम करते हुए मर गई थी। इसके बाद जेनिफर ओ को ऑब्जर्व करती है ताकि वो उससे दोस्ती कर सके। ओ को भी जेनिफर के साथ मिलकर ऐसा लगने लगा जैसे जेनिफर से उसका कोई पुराना रिश्ता हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, अब जेनिफर की उसके साथ काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन जेनिफर ओ से कहती है, तुम मेरे घर आकर रह सकती हो। इसके बाद उसकी बात मानकर हमेशा के लिए उसके घर रहने के लिए आ गई। धीरे धीरे जेनिफर उसे वसूली के सारे काम सिखाने लगी। साथ रहते हुए दोनों में अट्रैक्शन होने लगा और वो दोनों एक दूसरे को चाट चाट कर खाने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन जेनिफर वसूली करने के लिए अपने एक्स हस्बैंड जाफरान के घर पहुंच जाती है, इसलिए वो ये काम ओ को करने के लिए कहती है। वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर लेती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जेनिफर को बुरा लगने लगता है क्योंकि ओ ने जेनिफर के साथ साथ जाफरान के साथ भी संभोग कर लिया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। कहीं ना कहीं उसे जलन होने लगी थी, इसी जलन की वजह से वो जाफरान को मारने का फैसला करती है। जाफरान को मारने के लिए वो गन लेकर उसके घर में घुस जाती है जहाँ पर जाफरान ओ के साथ था। काफी कोशिश करने के बाद भी वो जाफरान को नहीं मार पाती, शायद उसकी गन में कोई खराबी आ गई थी। इसलिए जाफरान गुस्से में आकर जेनिफर को बहुत मारता है। इसी के साथ वो जेनिफर के सामने ओ को नंगा करके उसके साथ जिस्मानी खेल खेलता है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और जेनिफर सैलेन से पूछती है, आखिर उस गन ने काम क्यों नहीं किया होगा। तब सैलेन कहता है, शायद तुम्हें वो गन चलानी नहीं आती होगी या तुम जाफरान को मारना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए तुमसे गोली नहीं चली। इसके बाद जेनिफर सोना चाहती थी मगर सोने से पहले वो सैलेन को वहां से जाने के लिए कहती है। रात को जब जेनिफर गहरी नींद में थी तब सैलेन चुपके से कमरे में आता है और जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर जेनिफर उसे रुकने के लिए कहती है। जब वो नहीं मानता तब जेनिफर उसे गोली मारकर जान से मार देती है क्योंकि जेनिफर को ये सब अपनी मर्जी से करना पसंद था। सैलेन का जबरदस्ती करना उसे पसंद नहीं आया, इसलिए जेनिफर ने उसे मार दिया। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।